फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ का मामला कौमी असेंबली के इजलास में उठाने का फैसला कर लिया। कहते हैं कल के इजलास में स्पीकर से कायदे हिज्ब इख्तलाफ की गुमशुदगी का नोटिस लेने की दरख्वास्त करूंगा। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि जिसकी गारंटी पर नवाज शरीफ बाहर गए वो खुद लंदन जाकर बैठ गई। हुकूमत को नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ की वापसी के भी इकदाम करना होंगे, जबकि पंजाब हुकूमत को भी चाहिए कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। अपने एक बयान में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि कायदे हिज्ब इख्तलाफ पर शहबाज शरीफ का मामला कौमी असेंबली के इजलास में उठाने का फैसला किया है और कल से शुरू होने वाले कौमी असेंबली के इजलास में ये मामला उठाऊंगा कि शहबाज शरीफ आखिर वतन वापस क्यों नहीं आ रहे। फवाद चौधरी की जानिब से मजीद कहा गया कि कायदे हिज्ब इख्तलाफ वापस नहीं आ रहे, इसलिए कौमी असेंबली के नए अपोजिशन लीडर के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि मैं स्पीकर को शहबाज शरीफ की नाहली की कार्रवाई के लिए खत लिख चुका हूँ, जिसमे इनसे दरखास्त की है कि वो कायदे हिज्ब इख्तलाफ की गुमशुदगी का नोटिस लें।